विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के आज के अंक में देखिए, पंजीकरण की समय सीमा पार कर चुकी कारें भी फिर से भर सकेंगी फर्राटे, गंगा के कछार में दूषित हो रहा है भूजल और अब मोबाइल यूनिट में होगा दिमागी दौरों का उपचार। यूं तो डीजल कारें 10 साल के बाद और पेट्रोल कारें 15 साल के बाद नहीं चलाई जा सकती हैं, लेकिन बिजली चालित वाहनों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। ज़रा सोचिए, यदि पुरानी डीजल या पेट्रोल कार को इलेक्ट्रिक कार में बदल दिया जाए तो कैसा रहेगा? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की देहरादून स्थित प्रयोगशाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम यानी IIP के वैज्ञानिकों ने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत एक किफायती इलेक्ट्रिक कार किट विकसित की है, जिसे पुरानी कारों में लगाया जा सकता है। इस किट का परीक्षण इंडिका और जैन जैसी छोटी गाड़ियों में किया गया है, जो सफल रहा है। जैसा कि हम सबको पता है कि आज की डेट में लगभग 20 करोड़ कारें जो है वो रोड पे दौड़ती हैं, और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि 15 साल पुरानी कारों को हमें स्क्रैप करना है या कि रोड से हटाना है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन व्हीकल्स का हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई स्क्रैपिंग पॉलिसी नहीं है, और यदि स्क्रैपिंग पॉलिसी बन भी जाती है तो उसमें जो एनर्जी यूज होगी, उसके भी जो एमिशंस होंगे या इनडायरेक्ट जो पर्यावरण को वो हार्म करेगी, वो भी ठीक नहीं है। और हमारे देश में इतनी जगह भी नहीं है कि इन व्हीकल्स को कहीं रखा जा सके। इस विचार के साथ रॉबिन रोजी आगे बढ़े। करीब 4 साल पहले इनके दिमाग में ये बात है, ये कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना इन यूज डीजल और पेट्रोल की व्हीकल को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करें, उसको तब्दील करें। तो इसी को आगे ले जाते हुए आज की डेट में हमारे पास 3 ऐसे प्रोटोटाइप है, जो कि 2 तो मारुति मॉडल है और 1 इंडिगो मॉडल है। रॉबिंद्रो जी ने जो किट तैयार किया है, इट्स अ रेट्रोफिट किट, और इस किट के आधार पर हम लोग जो व्हीकल्स को है इनको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इंडिया गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है, FAME, आपने सुना भी होगा, फास्ट अडॉप्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये स्कीम का अंडर 2 स्टेज थे, एक FAME 1 और FAME 2 करके। FAME 1 वो जो लास्ट ईयर खत्म हुए है, अभी जो FAME 2 चल रहा है, लास्ट ईयर से शुरू किया है। तो FAME 1 का 2 का अंडर जो है 10,000 करोड़ जो सरकार ने जो एक अलोकेशन किया है फॉर डेवलपिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चार्जिंग पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये स्कीम लगाया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आ जाता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और लोगों का जो रेंज एंजाइटी है, जो दूर जाने के बाद बैटरी खत्म हो जाता है, वो एक सोर्स रहता है, वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि हम हर जगह पेट्रोल पंप आता है, तो ऐसे हर जगह चार्जिंग पॉइंट आएगा। ये FAME 2 का ऑब्जेक्टिव है। ये सब ऑलरेडी सरकार ने गाइडलाइन बना हुआ है और स्कीम है, तो ये FAME 2 का लागू करते ही हमारा कंट्री में चार्जिंग पॉइंट का कोई कमी नहीं रहेगा। नई व्यवस्था में पुरानी कार के फ्यूल टैंक, इंजन आदि को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर इलेक्ट्रिक किट और लिथियम बैटरियां लगाई जाती हैं। ऐसी कार से प्रति 100 किलोमीटर यात्रा की लागत सिर्फ 58 रुपए आएगी, जबकि पेट्रोल कार से लागत करीब 458 रुपए आती है। परीक्षण में पाया गया कि 48 वोल्ट की 100 AH की एक बैटरी से कार 30 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है। IIP के निदेशक अंजन रे ने कहा कि 10 या 15 साल से ज्यादा चलने के बाद भी कई वाहन चलने योग्य होते हैं,
लेकिन डीजल या पेट्रोल चालित होने की वजह से उन्हें कबाड़ में फेंकना पड़ता है। इसके चलते साल दर साल देश में वाहनों का कबाड़ बढ़ता जा रहा है, जो देश के लिए बड़ी समस्या बन रहा है। एक अनुमान के अनुसार देश में हर साल करीब 11 लाख कारें अपनी आयु पूरी करने की वजह से कबाड़ का हिस्सा बन जाती हैं। उन्होंने कहा कि महज 60 से 65 हजार रुपए खर्च कर लोग पुरानी कार को इलेक्ट्रिक कार में बदल सकेंगे और इसका फिर से इस्तेमाल कर सकेंगे। इस मौजूदा किट से कारों की रफ्तार हालांकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही हो पाएगी, लेकिन वैज्ञानिक इसे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। वैज्ञानिक दो पहिया वाहनों एवं भारी वाहनों के लिए भी इस प्रकार की इलेक्ट्रिक रेट्रोफिट किट तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बता दें कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत 2020 के अंत तक देश में 60 से 70 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 2030 तक सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में बदलने का लक्ष्य है। नदियों के पानी के प्रदूषित होने की समस्या तो पुरानी है, लेकिन नए अध्ययन बताते हैं कि मानवीय गतिविधियों के चलते भूजल भी दूषित हो रहा है। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि गंगा के कछार वाले क्षेत्रों में भूजल तेजी से दूषित हो रहा है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय बाराबंकी के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं सौरभ शुक्ला एवं अभिषेक सक्सेना द्वारा किए गए अध्ययन के तहत रायबरेली जिले में 35 स्थानों पर भूजल के नमूनों की जांच की गई। ये जांच 2016 में मॉनसून से पूर्व और मॉनसून के बाद के महीनों में की गई थी। उनका ये शोध करंट साइंस जर्नल के ताजा अंक में प्रकाशित हुआ है। पानी के इस नमूनों की प्रयोगशाला में जांच की गई और जल गुणवत्ता सूचकांक यानी WQI के आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया। इसमें पाया गया कि 7% नमूने पूरी तरह से पीने के अयोग्य पाए गए, क्योंकि उनका जल गुणवत्ता सूचकांक सबसे ज्यादा 411.5 दर्ज किया गया, जबकि मॉनसून से पूर्व के 57% और मॉनसून के बाद के 43% जल नमूने भी गुणवत्ता में बेहद कमजोर पाए गए। शोधकर्ताओं ने कहा कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई गई, उसके बाद नाइट्रेट की मौजूदगी भी पाई गई। तीसरा, पानी में खारापन ज्यादा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस क्षेत्र में फ्लोराइड की खनिज के रूप में अधिकता की वजह से भूजल पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, जबकि पानी में नाइट्रेट की ज्यादा मौजूदगी की वजह से स्थानीय स्तर पर कृषि में रासायनिक नाइट्रोजन खादों का अधिक इस्तेमाल होना है। इसी प्रकार औद्योगिक रसायनों के जमीन में छोड़े जाने से भूजल में प्रदूषण बढ़ा है। शोधकर्ताओं ने कहा कि शोध भले ही एक जिले में हुआ हो, लेकिन ये गंगा कछार के पूरे मध्य क्षेत्र की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें बड़े पैमाने पर आबादी भूजल पर निर्भर है। आजकल दिमागी दौरा पड़ने का मामला बढ़ता जा रहा है। दिमागी दौरे के मामले में रोगी को तत्काल चिकित्सकीय उपचार की जरूरत होती है। दूरदराज के इलाकों में रोगी को अस्पताल पहुंचाने में बहुत वक्त लग जाता है, जबकि दौरे की स्थिति में आरंभिक 4 घंटों के भीतर उपचार मिलना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में ICMR ने मोबाइल स्ट्रोक केयर यूनिट की अच्छी शुरुआत की है, जो मौके पर जाकर रोगियों का उपचार करेगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विगत 28 सितंबर को ICMR मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोबाइल स्ट्रोक केयर यूनिट का शुभारंभ किया। इस यूनिट में पूरी डायग्नोस्टिक सुविधा है, सीटी स्कैन भी है, टेस्ट की अन्य सुविधाएं भी हैं, डॉक्टर एवं टेक्नीशियन भी हैं। इस यूनिट को तेजपुर स्थित मेडिकल कॉलेज और CMC लुधियाना से जोड़ा गया है, जहां 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि ये दोनों मेडिकल कॉलेज हैं, जहां से न्यूरोलॉजी के चिकित्सक टेलीमेडिसिन के जरिए भी सलाह मशविरा दे सकेंगे। तेजपुर मेडिकल कॉलेज में ICMR ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर स्थापित कर रखा है। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि ICMR के अध्ययन के अनुसार पूर्वोत्तर में दौरे के मामले ज्यादा हैं। साथ ही ये भी पाया गया कि 50% दौरों के मामले रक्तस्राव के भी होते हैं,
2017 में जारी हेल्थ ऑफ नेशंस रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति 1,00,000 आबादी पर 119 से 152 लोग दौरे की बीमारी से ग्रस्त पाए गए हैं। साथ ही मृत्यु दर 19 से 42% तक दर्ज किया गया है, लेकिन असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में ये दर प्रति 1,00,200 से अधिक पाया गया है। इसलिए इस नई सेवा की शुरुआत सर्वाधिक प्रभावित इलाकों से की जा रही है, बाद में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक और बात, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।